विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे उत्तर व्यवहारवाद। देखिए, उत्तर व्यवहारवाद का संबंध जो है वह व्यवहारवाद का से है। ये व्यवहारवाद के उत्तर अर्थात व्यवहारवाद के बाद के राजनीति विज्ञान के अध्ययन दृष्टिकोण में आए परिवर्तन और विकास की अवस्था को बताता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आधुनिक राजनीति विज्ञान परंपरावादी दृष्टिकोण का विरोध करते हुए व्यवहारवाद के रास्ते से आधुनिक राजनीति विज्ञान के विकास की अवस्था को पहुंचा है। उत्तर व्यवहारवाद जो है वो व्यवहारवाद की जो कमियां थी, उनके जो दोष थे, उनके प्रति तीव्र असंतोष का परिणाम रहा है। और इसीलिए डेविड ईस्टन जैसे विचारकों ने ये कहा कि उत्तर व्यवहारवाद जो है वो भविष्योन्मुखी है। ये राजनीतिक विज्ञान को विकास की नई दिशाओं में बढ़ाना चाहता है। ये भविष्योन्मुखी है, ये ना तो अतीत से प्रेरणा लेता है, और ये जो है अतीत की परंपराओं को, अतीत की उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए जो है राजनीति विज्ञान में कुछ नया जोड़ना चाहता है। अब हम सबसे पहले कुछ पॉइंट के माध्यम से पढ़ेंगे कि उत्तर व्यवहारवाद क्या है। सबसे पहला है कि ये परंपरावाद की पुनरावृत्ति नहीं है। सबसे पहला पॉइंट है कि ये परंपरावाद की पुनरावृत्ति नहीं है। देखिए, उत्तर व्यवहारवादियों ने परंपरावाद की, व्यवहारवाद की आलोचना की है और अपने अध्ययन में मूल्यों को स्थान दिया है। यानी उन्होंने कहा कि अध्ययन मूल्यात्मक होना चाहिए, मूल्य निरपेक्ष नहीं होना चाहिए। ये दो ऐसे लक्षण है जिनके आधार पर परंपरावादियों ने ये कहना प्रारंभ कर दिया कि उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद की ही पुनरावृत्ति है। लेकिन हमें कहा जा सकता है कि उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद की पुनरावृत्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने व्यवहारवादियों के जो वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियां हैं, वैज्ञानिक अध्ययन की जो पद्धति है उसको स्वीकार किया है और जो है उन्होंने उसमें स्वीकार किया है और उन तत्व जो वैज्ञानिक टेक्निक्स हैं उनकी अपेक्षा नहीं की। और इसी साथ ही साथ उन्होंने उदारवादी लोकतांत्रिक मानव मूल्य हैं उनको अधिक तरजीह दी है या उनको उनके ऊपर अधिक बल दिया है। देखिए, परंपरागत राजनीति विज्ञान में उदारवादी लोकतांत्रिक विचारधाराओं के साथ साथ फांसीवादी, नाजीवादी, साम्यवादी जो विचारधाराएं थी उनको भी राजनीति विज्ञान का अंग माना गया। जबकि जो उत्तर व्यवहारवादी हैं उन्होंने सिर्फ उदारवादी लोकतांत्रिक जो विचारधारा है, मूल्य है, उनको अपने अध्ययन में स्थान दिया है और जो फांसीवादी, नाजीवादी, साम्यवादी विचारधाराएं हैं वो उदारवादी लोकतांत्रिक जो विचारधाराएं हैं, मूल्य हैं, उनके विरुद्ध होती हैं और ये विचारधाराएं जो है वो समग्रतावादी विचारधाराएं होती हैं। तो इसीलिए उत्तर व्यवहारवादियों ने कहा कि या उत्तर व्यवहारवाद के संबंध में कह सकते हैं कि ना तो ये अतीत से प्रेरणा लेता है, यानी परंपरावाद नहीं है, और ना ही यह यथास्थितिवादी है अर्थात पूरी तरीके से व्यवहारवाद का भी समर्थन नहीं करता है, बल्कि ये कैसा है, भविष्योन्मुखी है अर्थात उसमें कुछ नया जोड़ना चाहता है। किसमें? व्यवहारवाद में। दूसरा है, ये व्यवहारवाद में सुधार का आंदोलन है। देखिए, उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवहारवाद की तीखी आलोचना की, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी आलोचना की प्रकृति जो है वो निषेधात्मक नहीं है। वह अपनी आलोचना के माध्यम से, देखिए जो उत्तर व्यवहारवादी हैं वो पुराने व्यवहारवादी ही हैं, उन्होंने व्यवहारवाद में कुछ कमियां देखी, दोष देखे, उनके प्रति उन्होंने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इसमें जो कमी है उनको दूर किया जाना चाहिए, इसके जो दोष हैं उनका निराकरण किया जाना चाहिए। इस प्रकार से व्यवहारवाद में एक रचनात्मक सुधार किया जाना चाहिए। व्यवहारवाद में कमी उन्होंने ये देखी कि व्यवहारवाद अपने युग की जो सामाजिक राजनीतिक समस्याएं थी उनका हल ढूंढने में असमर्थ रहा।
तो उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवहारवादियों की वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति को स्वीकार करते हुए, अध्ययन में वैज्ञानिक टेक्निक्स के प्रयोग को स्वीकार करते हुए भी ये इस बात के ऊपर बल दिया कि व्यवहारवादी जो हैं वो अपना जो समय है वो ऐसे अध्ययन में बिताएं जो कि समाज के लिए उपयोगी हो, समाज के लिए लाभदायक हो, समाज की समस्याओं का हल ढूंढने में समर्थ हो। इस प्रकार से वे व्यवहारवाद में सुधार चाहते थे, ना कि व्यवहारवाद के प्रति एक प्रतिक्रिया उत्तर व्यवहारवाद को नहीं कहा जा सकता, बल्कि उसमें एक सुधार का आंदोलन है। उत्तर व्यवहारवाद समन्वयवादी है। देखिए, परंपरावादी दृष्टिकोण और व्यवहारवादी दृष्टिकोण दोनों एक दूसरे के विरोधी दृष्टिकोण है। परंपरावादी सिर्फ मूल्यात्मक अध्ययन को महत्व देते हैं, व्यवहारवादी सिर्फ तथ्यात्मक अध्ययन को महत्व देते हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी जो हैं वो अपने अध्ययन में तथ्य और मूल्य दोनों को महत्व देते हैं, दोनों को स्थान देते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद जो है वो कैसा है, समन्वयवादी है। माइकल हेंस और थियोडोर एल बेकर ने उत्तर व्यवहारवाद को जो है संश्लेषण की एक अवस्था बताया है। उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद को द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के आधार पर समझाते हुए बताया कि यह संश्लेषण की अवस्था है। उन्होंने कहा कि परंपरावादी दृष्टिकोण द्वंद्वात्मक पद्धति का वाद है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण प्रतिवाद है, और इन दोनों के बीच संघर्ष का परिणाम जो है वो क्या है, उत्तर व्यवहारवाद है, जो कि विकास की, इन दोनों की तुलना में विकास की दृष्टि से और भी श्रेष्ठ अवस्था है। इस प्रकार से उत्तर व्यवहारवाद जो है वो संश्लेषण की अवस्था है, संवाद की अवस्था है, या हम इसे समन्वयवादी दृष्टिकोण कह सकते हैं। अगला है, ये राजनीति विज्ञान के विकास की निरंतरता को प्रकट करता है। देखिए, राजनीति विज्ञान के विकास की कई अवस्थाएं हैं। संपूर्ण अतीत के राजनीति विज्ञान में के संपूर्ण अतीत के विकास को परंपरागत राजनीतिक परंपरागत दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो नया विकास हुआ उसे व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है, और व्यवहारवाद के बाद राजनीति विज्ञान का विकास जो है जिस रूप में हुआ या उसमें जो विकास की जो दूसरी तीसरी अवस्था आई उसे उत्तर व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के विकास की आधुनिकतम अवस्था है, और इस प्रकार से ही विकास की दृष्टि राजनीति विज्ञान की निरंतरता को प्रकट करता है। अगला है, ये उपयोगिता पर आधारित वैज्ञानिकता का पक्षधर है। देखिए, उत्तर व्यवहारवाद जो है वो व्यवहारवादियों की वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों को स्वीकार करता है, उसकी वैज्ञानिक या तथ्यात्मक जो तरीका है, वैज्ञानिक तरीका है अध्ययन का, उसको स्वीकार करता है। लेकिन उसके साथ ही साथ उसका ऐसा मानना है कि जो व्यवहारवादियों ने गलती उन्होंने की कि उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्ति तथ्यात्मक अध्ययन के नाम पर अपनी संपूर्ण शक्ति और समय नष्ट कर दिया, लेकिन उस अध्ययन का समाज के लिए कोई लाभ नहीं निकला, वह अध्ययन सामाजिक समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार से उपयोगी नहीं रहा, सहायक नहीं रहा। तो उन्होंने जो है उन्होंने कहा कि हमारा अध्ययन जो है वैज्ञानिक होते हुए भी हमें अपना अध्ययन जो है सामाजिक जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए उपयोगी बनाना चाहिए, सामाजिक समस्याओं के समाधान में जो है वो उपयोगी होना चाहिए, समाज के पुनर्निर्माण में हमारा अध्ययन उपयोगी होनी चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि जिस अध्ययन का संबंध जो है समाज की समस्याओं के लिए प्रासंगिक नहीं है उससे हमें अपने को अलग रखना चाहिए। राजनीति विज्ञान के अध्ययन का महत्व जो है सामाजिक समस्याओं की प्रासंगिकता के संदर्भ में ही है, इसीलिए उत्तर व्यवहारवाद को प्रासंगिकता के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, उत्तर व्यवहारवाद की प्रकृति रचनात्मक है। देखिए, व्यवहारवादियों ने परंपरावादी दृष्टिकोण की उनके जो सिद्धांत थे, मान्यताएं थी, अवधारणाएं थी, उनका तीव्र विरोध किया
उनकी आलोचना की, लेकिन वो स्वयं जो है कोई भी ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे जो कि समाज के पुनर्निर्माण में सहायक हो, समाज की समस्याओं के समाधान में सहायक रहा हो। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो उनकी प्रकृति, व्यवहारवादियों की प्रकृति कैसी रही? निषेधात्मक रही, जबकि उत्तर व्यवहारवाद की प्रकृति कैसी है? रचनात्मक है। उत्तर व्यवहारवादी व्यवहारवादियों की भांति ज्ञान के लिए ज्ञान के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि जीवन के लिए ज्ञान के सिद्धांत को स्वीकार करके राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करना चाहते हैं। अर्थात उनका मतलब है कि हम जो भी ज्ञान अर्जित करें उसका समाज के पुनर्निर्माण में योगदान हो, सामाजिक समस्याओं के समाधान में वो सहयोगी हो, और इस प्रकार से चूंकि राजनीतिक विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है, इस रूप में जो मानव सभ्यता है उसकी रक्षा में, उसके विकास में इसका अध्ययन कैसा होना चाहिए? लाभदायक होना चाहिए, सहयोगी होना चाहिए।